बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नीचे तो बैठे ये रहे। हेलो, तो सुभम जी आपको रिपोर्ट में जाऊंगा। अरे आपके पास आ रहे सही जी, आपके पास आ रहे, पर शुभम जी के बोल दे फिर आ रहे आपके पास जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो हम सब हैं, क्या हम सब एक्स हैं या मतलब मेरा कहने का मतलब है मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मतलब क्या सभी एक्स हैं या एक तरफ भी झुके हुए हैं कुछ लोग? नहीं, आप भी एक्स मुस्लिम हैं शुभम जी? हाँ, मेरा सवाल है मतलब आपसे भी है, माले जी से भी है, सबसे ही मतलब जी। अभी तो माले जी एक्स मुस्लिम है, ओम जी आप भी एक्स मुस्लिम हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं एक्स मुस्लिम का सपोर्टर हूँ बस। फिर माले जी, मेरा कहने का मतलब है सर, एक मिनट, मेरा कहने का मतलब है अगर हम रेशनलिटी को एथिस्ट है अगर और इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें मतलब उस हिसाब से काम करना पड़ेगा ना जी। मतलब मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप एक्स हिंदू हैं? नहीं नहीं, मैं कोई एक्स नहीं, एक्स हिंदू कोई होता नहीं है। ओके ओके, फिर तो यानी कि मैं गलत चैनल पे आ गया हूँ। एक काम करें आप, शुभम जी आप एक्स हिंदू है क्या है? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ठीक है, आप एक्स मुस्लिम है तो एक बार बताइए कि आपने आप जो कह रहे कि ना रेशनलिटी को फैलाना है, तो एक बार बताइए कि सबका जरूरी एक्स होना है? हम तो ये भी नहीं चाहते कि मुसलमान इस्लामिक सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये तो वही हो जाएगा ना फिर, वो जब जो कट्टर बैठे हैं वो तो सोचेंगे ना कि ये मुस्लिमों के पीछे पड़े हुए हैं, समझ गए ना मेरी बात, तो मजा नहीं आएगा ना फिर। काम ऐसा करें ना, हम सब मिल गए कि सभी को सुधार दें, सभी को। हाँ तो ठीक है ना, पर उसके लिए हिंदुइज्म पढ़ना पड़ेगा। अब हम में से किसी ने तो यही तो यही आके फैल हो जाते हैं यार, हम लोगों का साथ क्यों नहीं बन पाता, यही आके फैल हो जाते हैं। हाँ, अगर हम रैशनल लोग हैं सर, मैं कह रहा हूँ अगर हम रैशनल लोग हैं तो हमें उस हिसाब से लेके चलना चाहिए ना सबको फिर। नहीं, रैशनल है तो एक बार बताइए, एक मिनट जी शुभम जी, तो इसके बहुत सारे चैनल हैं, आप जा सकते हैं। आप जो हिंदुइज्म पे बात करते हैं उसके भी है, जो पक्ष पे बात करते हैं उनके भी। नहीं, कुछ चीज जरूरत नहीं है मुझे, मतलब एक चीज पे बात करने वालों वो बात नहीं है, एक चीज पे बात करेगा उसी की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, ये तो वो चीज हो गई ना, जो अब कट्टर है वो सुनेंगे, वो क्या है वो और कट्टर हो जाएंगे। हमें तो लेकिन ऐसा काम करना है ना कि सबको सबक मिले, सब सुधरे उससे। लेकिन हिंदुइज्म पे बात करने के लिए कौन होना चाहिए? उनके लिए चैनल है ना, वो प्रॉपर बात करेंगे। तो वही तो बोल रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दे पे बात हो ना। आप देखिए, अब हम मैथ की क्लास चल रहे हैं तो मैथ की बात होगी ना, जो मैथ का टीचर है अब वो थोड़ी ना साइंस की बात करने लगेगा, फिर उर्दू की बात करने लगेगा, उनके अलग अलग टीचर होंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, आप बुरा मत समझिए और ना गलत समझिए, ठीक है? आपको कभी लग जाएगी इस तरह से आ गए बीच में। मेरा तो कहने का मतलब ये था, असल में मैं अभी कुछ देर पहले गालिब कमाल का चैनल देख रहा था, समझ गए ना, जो गालिब कमाल है, ह्यूमन विद साइंस है, इनके चैनल अभी मैं देख रहा था। तो अभी मैंने ये चैनल आ गया आगे, तो मैं इस पे एंट्री हो गया, ठीक है? अच्छा सुनिए शुभम जी, हमारा मामला सिर्फ कट्टरता पे, इंडिया पे आपको जी बोलिए, आप बात करें, एक मिनट में आ रहा हूँ मैं, सुबह से बात करूं। जी जी बोलिए सर। जी ओम जी, आप बात करो। नमस्कार, मैं बोल रहा हूं, मैं इन शुभम भाई से बोल रहा हूं, अगर मैं इनका नाम सही ले रहा हूं भाई। जी, बात ऐसी है, आपने पता नहीं कमेंटिंग वे में बोला या कैसे बोला, मैं आपसे एक प्यार से बात कर रहा हूं,
सुभान भाई जी भैया, ये देखो जो अभी भाई ने बात बोली ना आपसे, नागेंद्र पांडे भाई ने, वो बात सही है। मेरा भी वही पॉइंट था कि अगर हमें मतलब कि ये देखना है कि दूसरे पे भी कटाक्ष किया जा सके, दूसरे पे भी बात की जा सके, दूसरे रिलीजन पे, तो मेरे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं सनातन वेद के ऊपर बात करने के लिए। अगर आप बोलोगे मैं लिंक दे दूंगा आपको, लेकिन नहीं, बिना नहीं, 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 नहीं। ओम, ओम भैया, मेरे को किसी एक चीज पे बात नहीं करना है, वजह तो यही है ना सारी। पांच सेकंड सुन लो, बात यह है कि वो चैनल्स हैं, वो इस पे खुल के बात करते हैं। वो अब आप जो बोल रहे ना एक पे बात नहीं करनी, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर भी बात करते हैं, सनातन और वेद के ऊपर भी बात करते हैं सब, और क्रिश्चियंस के ऊपर भी बात करते हैं, सब पे बात करते हैं। वो चैनल्स खुले हुए हैं वैसे वाले। अगर आपने, क्योंकि देखो हमारी सोच या ये इस चैनल की सोच ये है कि हमारी एक आइडियोलॉजी से है, वो भी मुसलमानों से नहीं है, मोमिन्स से और मोमिनास से नहीं है। आइडियोलॉजी के अंदर जो कुछ गलत लिखा है ना, उसको खोल के सामने रख रहे हैं और उसका दिफा करने के लिए या डिफेंस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं लोग, ठीक है, बस ये है इसका मकसद। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म बहुत सारे खुले हैं जो आप बात बोल रहे हो, ये मेरा कहना है। अब आप अपनी बात रखिए, मैं म्यूट लगाता हूँ। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा है। चलिए, आप तो आपकी सोच ही देखिए, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपकी सोच है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, समाज से, दुनिया से, पूरे वर्ल्ड की बात लेके चलो, एक देश की ना लेके चलो, मैं इंडिया से हूँ, छोड़ दो इंडिया की बात भी, पाकिस्तान की भी छोड़ दो, पूरी वर्ल्ड की बात लेके चलो। हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है ना कि हम सबको सही रास्ते पे लेके आए। अब इससे क्या होगा कि एक तरफ हम कटाक्ष करते रहे और फिर उससे जो कट्टर लोग हैं वो बैठे हैं उधर इंतजार कर रहे हैं हमारी बात का, फिर वो क्या करेंगे, वो उल्टा और बिगड़ेंगे, नहीं सुधरेंगे वो। शुभम भाई, कट्टर कौन है तो, ये बताइए आप। इतने टाइम से शुभान भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कट्टर सुनिए एक मिनट, मैं कट्टर लोग इनकी बात कर रहा हूँ। मैं जैसे वो एक गाली दे रहा था ना, वो ऐसे बोल रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, समझ गया ना मेरी बात। आपका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कैंसर भी है, बुखार भी है, लेकिन आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कैंसर को हटाने के लिए। ये बात वीके भाई ने ये बात बोली मन की बात। देखो कैंसर और बुखार दो बीमारियां हैं, वीके भाई ने बोला। अब इसमें से पहला किसका ट्रीटमेंट जरूरी है, कैंसर का या बुखार का? चलिए देखिए, वो तो जो पहले इजी हो, जिसका ट्रीटमेंट करना वो किया जाएगा पहले तो। नहीं, खतरनाक हो, जो डेंजरस हो लाइफ के लिए। ओम भाई, ये शुभम भाई जो है ना, वो सेक्युलरिज्म से पीड़ित है। नहीं, सेक्युलरिज्म से, ये सिख है, SIC। जी सर, हाँ बिल्कुल सिख है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर, फिर आप अपने बता देना। सर देखिए, इसमें क्या है, इसमें तो साफ दिख रहा है कि आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं सब एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, हमें अपने अंदर भी कमी देखनी है, सबके अंदर देखनी है, सबको सुधारना है। बात ही रखो ना, हमारी कमी दिख रही है हमें, हमारी कमी दिख रही है हमें, हम सेक्युलरिज्म के उसमें। तो डिस्कस क्यों नहीं कर रहे सर, फिर डिस्कस क्यों नहीं कर रहे आप? ये प्लेटफॉर्म डिस्कस करिए ना, फिर डिस्कस इसलिए कर। शुभम जी एक मिनट भाई, आप दो मिनट बात देखिए। शुभम जी कैंसर से पीड़ित, एक मिनट। उत्तम जी देखिए, आप बोल रहे डिस्कस नहीं कर रहे, हिंदू में आप जो बोलते हैं ना कट्टरता, तो उसके लिए हिंदू खुद उसके लिए समाधान कर देते, उसके लिए खुद हिंदू उसको, उसके लिए जो भी कहते हैं ना, उसके लिए काम करते हैं और उसके लिए जमीन ग्राउंड पे काम करके वो करते। अब मैं उदाहरण देता हूँ, आप बोलते हैं कि जैसे हिंदू में ये किया है कि इनमें क्या कहते हैं अंधविश्वास है वो, तो उसके लिए आर्य समाज काम करता है अंधविश्वास दूर करने के लिए, बहुत सी चीज तो उनके लिए खुद है। आर्य समाज ने बहुत सारे मंदिर में बलि प्रथा बंद कराई, तो उनके लिए खुद, उनके लिए उन्हीं के अंदर उन्हीं के समाज से जागता है। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है, मुसलमानों में एक समाज दूसरे समाज को काटता है, सिया सुन्नी को मार देता है, अहमदिया को मार देता है, जो भी इनको सुधारने को कुछ भी करो, है तो सब एक, लेकिन सुधार तो कोई किसी को नहीं है। इसी वजह से इस्लाम पे ज्यादा फोकस रखना है। हिंदुइज्म में अगर होता ना इतना वो, तो देश अभी आगे नहीं बढ़ रहा होता, और हमारा जो है ना क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं इसरो, वो भी देख लो तो अमेरिका के भी सैटेलाइट अभी भेज रहा है, तो वो ऐसे ना होता अगर कट्टर होता तो। कट्टर इस्लामिक मुल्कों की हालत देख लो, बाकी की हालत देख लो, हम तो क्रिश्चियनिटी पे भी बात नहीं करते।
क्रिश्चियन पे भी इसलिए हम बात नहीं करें क्योंकि क्रिश्चियन मुल्क अभी एकदम सही है, सेकुलर है। हम तो यहूदी पे भी बात नहीं करते, हम तो ज्यादातर मजहब पे बात ही नहीं करते ना, बुद्धिस्ट में भी बात करते हैं क्योंकि उनके लिए चैलेंज है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए आप मेकअप के चैनल पे जाकर ना कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे, हर किसी की यहाँ पे नीश है। यूट्यूब पे हर किसी का एक टॉपिक होता है, एक आप चीज थीम लेके चल रहे होते हो, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे जिस चीज से बात कर रहे हैं आप ले जाके कुछ और कहीं टॉपिक और ही चला जाएगा। चैनल है जहाँ पर आप हिंदुइज्म पे बात कर सकते हैं, क्यों नहीं है, आप वहां जाए, प्रॉपर जगह पे जाए ना। आप आए यहाँ पर मुझसे हिंदुइज्म, मैं तो जानती नहीं हिंदुइज्म का अलिफ नहीं मुझे पता, मुझे जिस चीज का पता है मैं वो चैनल उस पर बात करूंगी ना। अब मैं आपको फिर कुछ और बोल दूंगी तो हिंदू मुझ पे और गुस्सा हो जाएंगे कि भाई देखो ये क्या बोल रही है। नहीं, आप इनको गलत समझ रहे हैं। ये जो सुभन भाई है ये क्या मोटिव लेके आए मैं समझ गया अच्छे से, ये मैं समझ गया। अब इनको रहने देते हैं, के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।